तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण किया शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, जो आप और हम भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। शिव महापुराण भक्ति और मुक्ति का एक साधन है। थोड़ा ध्यान देना, आज कथा का विराम दिवस है। आपको पहले भी कथा में कहा है कि मेहमान जिस दिन जाते हैं उस दिन अपने घर के बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मेरे भोलेनाथ की कथा भी जिस दिन विराम होती है उस दिन कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। पानी की बोतल या पानी के पाउच के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो विराम दिवस की जो कथा है वो हमारी झोली भरने वाली है। बहुत सावधानी से जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर इस कथा को श्रवण कर लो। बिहार बार बार आना नहीं होता, वो तो गोस्वामी जी को धन्यवाद है जिन्होंने बिहार यहाँ कथा के लिए बुलाया। शिव कृपा से ये कथा मिली है और हमारा विश्वास कहता है, देवघर वाले पर भरोसा कहता है कि जितने भी भक्त यहाँ पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, चिंता मत करना, वो किसी को खाली नहीं छोड़ता, तुम्हारी भी झोली भर कर ही भेजेगा। उसका नाम ही शिव है। वो ओघड़ी है, देने में पीछे नहीं हटता, प्रदान करने में पीछे नहीं हटता। महाराज दो मंदिर अपने जीवन में अवश्य जाया करो। अगर मानव का शरीर मिला है तो दो मंदिर जाने में पीछे मत हटना। वो दो मंदिर भगवान के दरवाजे पर, दो मंदिर अवश्य जाया करो। पहला मंदिर है परमात्मा का मंदिर और दूसरा है ये आत्मा का मंदिर। ये दो मंदिर में प्रवेश अवश्य होना चाहिए। जितना आप भगवान के मंदिर जाते हो, जितना आप शिव जी के मंदिर जाते हो, आप जितना शिवालय जाते हो, आप जितना भगवान के मंदिर में पहुंचते हो, उतना इस आत्मा के मंदिर में भी प्रवेश करिए। उतना इस आत्मा के मंदिर में भी जाने का प्रयास करिए। आत्मा के मंदिर में परमात्मा में बैठा हुआ मिलता है, पर उस आत्मा के मंदिर में आप प्रवेश कैसे करोगे?
शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, जिसको औषधि की जरूरत हो उसको औषधि देकर, जिसको धैर्य की जरूरत है उसको धैर्य प्रदान कर, जिसको जिस चीज की उसको जरूरत लग रही है उसके जीवन में अगर उसका दुख थोड़ा भी हल्का कर सको, उसका दुख थोड़ा भी समाप्त कर सको, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है महाराज। ये आत्मा का मंदिर का प्रवेश द्वार है, ये आत्मा के मंदिर का ये प्रवेश द्वार है। एक लाइन आप लोग भजन की हमेशा गुनगुनाते रहे हैं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना, डीले कम कर कर। यह आत्मा का जो मंदिर है, ये दुनिया के लोगों को सुख देने का कार्य करता है। आप जब निकलते हो, आप जब जाते हो, गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हो, कोई मांगने वाला आपके पीछे पड़ गया, कोई मांगने वाला आपके यहाँ आ गया, कोई मांगने वाला आपके पीछे पड़ गया, आप निकल कर जा रहे हो और कोई ने गाड़ी का कांच बजाया, कोई ने दरवाजा बजाया, कुछ दे दीजिए हमको, कुछ हमें प्रदान कर दीजिए, और एक सरल सी बात है, एक जायज सी बात है, अगर कोई आपका गाड़ी का दरवाजा बजा रहा है, गाड़ी का शीशा बजा रहा है, गाड़ी का कांच बजा रहा है, तो कोई भी होगा वो भिक्षुक को देखकर, भिखारी को देखकर कांच को चढ़ा लेगा, कोई भी हो। अगर कोई भिखारी, कोई भिक्षुक आपका दरवाजा बजा रहा है गाड़ी का, तो आप भिखारी को देखकर, भिक्षुक को देखकर गाड़ी का कांच चढ़ा लेंगे, कोई भी होगा। एक सहज वाली बात है कि कहीं पीछे ना पड़ जाए, बार बार पीछे पड़ेगा, बार बार मांगेगा तो वो गाड़ी के कांच को चढ़ा देगा। परशु महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा जो खगड़िया बिहार में चल रही है, इस कथा को अपने भीतर उतारना, ये एक बात बड़ी सुंदर कहती है। आप अपनी गाड़ी में, जेब में पैसा रखें ना रखें, पर प्रयास करा करो अपनी गाड़ी में अपने घर से चलो तो दो रोटी या कुछ खाने का सामान अपनी गाड़ी में लेकर चलो, जिससे कोई मिले, हम उसको अगर पैसा, और हम फिर कहेंगे लक्ष्मी गाय और बेटी, ये 50 बार विचार करना फिर देना। पैसा हर किसी के कटोरे में मत डाल देना, कोई भिखारी तुम्हारे पास से पैसा लेकर गया और उसने व्यसन में डूब गया, मदिरा पान में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, गलत जगह पर लगा दिया, तो जो पैसा दिया है दुख उसको भोगना पड़ता है। गौ माता का दान करना तो ऐसे ब्राह्मण को मत कर देना जिसके घर में खुद की रहने की जगह नहीं है, तो वो उस गाय को दूध के चक्कर में थोड़े दिन रखे, बाद में उसको दूसरी जगह बेच दे, फिर तीसरी जगह बेच दे, फिर चौथी जगह बेच दे, बिकते बिकते वो गाय कसाई के हाथ में चली जाएगी और गाय कटेगी तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, किसी ऐसे लड़के के साथ में अपनी बेटी का विवाह मत कर देना जो तुम्हारी बेटी का आदर ना करे, सम्मान ना करे, उसको दो रोटी प्रेम से खिला ना सके। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये तीन बड़े सावधानी से देना। अपनी गाड़ी में आप भिखारी को देने के लिए पैसे ना रखें कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी में कोई खाने का सामान, कोई बिस्कुट का पुड़ा, कोई सामग्री, कोई दो रोटी, कोई एक रोटी अपनी गाड़ी में जरूर रखो,
कोई दरवाजा बजाएगा तो उसको मैं ये दो रोटी निकाल कर दे दूंगा, जिससे उसके उदर की पूर्ति होगी। अन्न दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं। अन्नदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा दान नहीं जो अन्नदान से कम हो। अन्नदान के बराबर दान होता ही नहीं है। आपने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी को एक अन्न का दाना भी अगर आपने दिया है, तो उसके बराबर कोई दुनिया का दान नहीं। उसके बराबर दुनिया का कोई सुख नहीं, उसके बराबर दुनिया का कोई आनंद नहीं। शिव कथा कह रही है, एक भिखारी को देखकर हम गाड़ी का कांच ऊंचा कर लेते हैं कि ये पीछा ना पकड़ ले, मुझे देना ना पड़ जाए। आप धन भले मत दो, पर खाने का अन्न अवश्य दो। शिव पुराण कहती है, जैसे हम भिखारी को देखकर कांच चढ़ा लेते हैं, मान लो तुम भगवान के मंदिर गए और तुमने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने भी अपना कांच चढ़ा लिया, तो तुम्हें कैसा लगेगा वो विचार करो। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा सर्वस्व लुटा दो या तुम्हारा पूरा धन तुम लुटा दो या दान कर दो, उससे मतलब नहीं। हम तो स्पष्ट आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने रिश्तेदारों में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने मोहल्ले में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपनी कॉलोनी में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने प्रदेश में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने देश में देखो कोई दुखी तो नहीं है। अर्थात हम अगर पूरे संसार के लोगों का भला नहीं कर सकते, तो अपना कोई परिचित हो जिसको दवाई की जरूरत हो, जिसको भोजन की जरूरत हो, उसको आगे बढ़कर अगर भगवान ने हमको दिया है तो उसको आगे बढ़कर हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। बहुत अंतर है हमारा संसार के लोगों में और समझने की बात है। हमारे यहां पर सरकार की जो दुकान होती है उसको कंट्रोल कहते हैं, जहां शक्कर मिलती है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, उसको हमारे यहां कंट्रोल कहते हैं। तुम्हारे यहां क्या कहते हैं? कंट्रोल ही कहते हैं ना। गरीब में और अमीर में एक अंतर बड़ा भारी है। गरीब शक्कर खाने के लिए, शुगर खाने के लिए, शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान का चक्कर लगाता है। लगाता है कि नहीं लगाता? जम के बोलो जरा, लगाता है ना। गरीब शक्कर खाने के लिए कंट्रोल की दुकान का चक्कर लगाता है, और अमीर शक्कर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर लगाता है। अंतर भारी। गरीब शक्कर खाने के लिए कि मेरे को शक्कर चाहिए, मैं चाय पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, मैं दही में डालूंगा, मैं मिठाई बनाऊंगा, मैं पकवान बनाऊंगा। गरीब शक्कर खाने के लिए कंट्रोल दुकान का चक्कर लगाता है, और अमीर शुगर को, शक्कर को
कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर लगाता है। इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। भगवान से प्रार्थना करना, हम कंट्रोल का चक्कर लगाने चल जाएगा पर डॉक्टर का चक्कर मत लगवाना, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर रखना। हम कंट्रोल का चक्कर लगाएं चलेगा, पर बार बार दौड़कर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, बार बार दौड़कर हमें कितनी कितनी शरीर में बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। पहले कैंसर जैसा रोग गाँव में, नगर में, शहर में एक दो लोगों को होता था, आज के ज़माने में कैंसर जैसा रोग जिसको देखो मोहल्ले में दो चार को हो जाता है। बड़ा दिल दुखता है, बड़ा हृदय दुखता है। ये लीवर, ये किडनी, ये डैमेज होती थी, खराब होती थी, कुछ इक्का दुक्का लोगों की हो जाती थी, पर आज के समय में जिसको देखो हर चार आठ घर छोड़ के किसी ना किसी को दुख है। उसका कारण क्या है? अपने दुख का निवारण कैसे कर सकते हो? अपने दुख को कैसे समाप्त कर सकते हो? हमारा केवल इतना सा निवेदन है, अपने दुख का निवारण करने का सबसे सुंदर तरीका है, अपने घर से निकलो तो अपने घर से कुछ अन्न का, बिस्कुट हो, ब्रेड हो, या रोटी हो, या चावल हो, या तुम्हारे घर में जो सामग्री हो, पत्नी से कहना आज दो रोटी ज़्यादा बनाना। क्यों? मेरी गाड़ी में रख देना, पेपर में लपेट कर। मैं चौराहे से निकलता हूँ, लोग दरवाज़ा बजाते हैं मेरी गाड़ी का, मैं उनको ये दो रोटी दे दूँगा। मैं वहाँ से निकलूँगा तो मैं इनको ये दे दूँगा। मैं कोई बच्चे भूखे मिलेंगे तो मैं उनको दे दूँगा। दो रोटी मेरी गाड़ी में तू ज़्यादा रख देना, दो रोटी मेरे टिफिन में ज़्यादा रख देना, किसी का मुँह झूठा करा दूँगा। उसका एक कारण होता है, हमारे धन कमाए हुए धन में से अगर हम एक रुपया भी अन्न दान का निकालते हैं, एक रुपया का भी, एक रोटी भी अगर हम अन्न किसी को खिला देते हैं, तो हमारा बुढ़ापा हॉस्पिटल में नहीं निकलता, परमात्मा की शरणागति में निकलता। हमारा बुढ़ापा डॉक्टर के चक्कर काटते नहीं निकलता, हमारा बुढ़ापा भगवान की शरणागति में निकलता है। हमने करा क्या? कमाया और अपने ऊपर खर्च कर लिया, भोग कर लिया, भोग करा, भोग करा, भोग करा, खूब अपने ऊपर लगाया, पर अपनी कमाई का हम एक अंश भी निकाल कर परमात्मा की शरणागति में नहीं लगा पाए। महाराज कितना किस्मत वाला है ये गोस्वामी परिवार, श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती खुशबू जी गोस्वामी, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी कमाई का सदुपयोग करा है और अपनी जिंदगी का सदुपयोग करा है। कुर्सी, सत्ता, वैभव, राजसी ठाट, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा सुख तुम्हारे पास में बहुत मिलेगा, पर उस कुर्सी, उस सत्ता, उस वैभव और उस आनंद में जब तक तुम्हारी चले, तब तक तुम जिंदगी में एक धर्म का कार्य करते चलना, तो तुम्हारी कुर्सी और सत्ता का वैभव भी हमेशा टिका रहेगा। अगर हम धर्म से दूर हो गए, परमात्मा की भक्ति से दूर हो गए, भगवान के भजन से दूर हो गए, स्मरण से दूर हो गए, तो दुख भोगना ही पड़ता है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। संसार में दुख सबके साथ में,
कोई सुखी इस संसार सागर में अगर आकर कोई सुखी हो जाए यह बहुत बड़ी बात है। महाराज शिव पुराण कहती है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक सुखी है जो परमात्मा की शरणागति में बैठा है। आप 3 घंटे कथा में बैठे हो ना, आपके 7 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कब कथा चालू हुई और कब आज कथा विराम होने वाली है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आते थे इतना धक्का तो तुमने कहीं जगह नहीं खाया होगा जितना धक्का तुमने शिव महापुराण की कथा में खाया होगा। कई जगह पर कथा होती है तो बहुत सारे VIP आते हैं, कई जगह कथा होती है बहुत सारे VIP आते हैं और बाहर जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, गार्ड खड़े होते हैं, कार्यकर्ता खड़े होते हैं, वो VIP को पहचानते नहीं, उनको धक्का मार कर निकाल देते हैं। चल निकलो, जाओ उधर, उधर से बैठो, चलो। अब कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम VIP हो, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम कलेक्टर हो कि SP हो, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम्हारा पद कौन सा है, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम विधायक हो कि क्या हो, कार्यकर्ता को कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारा पद कौन सा है, प्रतिष्ठा कौन सी है, क्योंकि वो कार्यकर्ता यहाँ का नहीं है, वो तो बेचारा कहीं का था, सेवा में लगा हुआ था। उसने तुमको धक्का मार दिया, उसने तुमको धक्का मार कर निकाल दिया। दुख मत मनाना, टेंशन मत लेना, हमारे भीतर कहीं ना कहीं अपनी पद का अहंकार हमारे अंदर पैदा होते जा रहा था, बढ़ते चले जा रहा था। तो शंकर जी की कथा में पहुंचते से ही किसी एक कार्यकर्ता ने तुम्हारे उस अहंकार को शून्य पर लाकर छोड़ दिया। उसे धन्यवाद देना कि तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, उसने हमारे अहंकार को तोड़ दिया और बड़ी कृपा करी। और ध्यान रखना, जो शंकर भगवान की कथा में जो शिव के द्वार पर धक्के खा लेता है वो दुनिया में फिर कहीं के धक्के नहीं खाता है, ये निश्चित है। कई लोग कहते हैं हम कथा में आए थे, हमारा कोई सम्मान नहीं हुआ, हमारा कोई मान नहीं हुआ, हमारी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, हमें तो कोई ने इज्जत ही नहीं दी, हमें तो बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, हमें तो बैठने के लिए आसन नहीं दिया, हमें तो बैठने के लिए ये नहीं दिया, हमें तो बैठने के लिए वो नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, दूसरी कथाओं में जाओ तो कुर्सी ढूंढना, दूसरी कथाओं में जाओ तो VIP पन ढूंढना, पर शिव महापुराण की कथा में जब भी आना तो VIP बनकर मत आना, क्योंकि शंकर जी की बारात में एक भी VIP नहीं गया था। शिव जी की शादी में एक भी VIP नहीं था, भगवान शंकर की शादी में मेरे नारायण भगवान की शादी हुई, 33 कोटि देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी की शादी हुई, 33 कोटि देवताओं को बुलाया, इंद्र की शादी हुई, 33 कोटि देवताओं को बुलाया, सारे देवताओं की शादी में 33 कोटि देवता आए, शंकर भगवान की शादी में 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण नहीं भेजा, अपने आप आए भगवान। जब अपने आप देवता आ गए तो भी भगवान शंकर ने देखा, आ गए तो आ गए, आ जान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शिव जी को बेचैनी अंदर से हो रही थी, शंकर भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं मैं खुद VIP नहीं हूं तो मैं VIP को कैसे झेलूं, मैं तो मेरे वालों को बुलाना चाहता हूं। तो शंकर भगवान मुंह उतार कर बैठे थे, भगवान नारायण ने पूछ लिया, आपका चेहरा उतरा है, आपकी शादी हो रही है, चेहरा क्यों उतरा है? जिसकी शादी होती है वो तो बड़ा खुश होता है, आपका चेहरा उतरा है। शंकर भगवान बोले, मेरा जितने भक्त हैं, मेरे जितने गण हैं, मेरे भूत चुड़ैल डाकनी पिसाचनी ये सब नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरा दिल दुख रहा है। भगवान विष्णु ने कह दिया तुम भुला लो, हमें मना नहीं। शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, डाकनी पिसाचनी चुड़ैल भूत सब आ गए। किसी को मतलब नहीं, कौन VIP था कौन क्या था, वहां तो सब अड़भंगे होकर नाच रहे थे, आगे आगे देवता कथक कर रहे थे, कथक। देवताओं का नृत्य कथक, नैनों को मटकाते हुए, हाथों को मटकाते हुए, पांवों को मटकाते हुए देवता कथक कर रहे थे, अप्सराएं कथक कर रही थी, और सारे जितने गंधर्व अप्सराएं देवता सब गंधर्व सब कथक कर रहे हैं, नृत्य कर रहे। इतने में एक
शंकर भगवान के गण ने कत्थक करने वाले को देख लिया और कत्थक करने वाले को देखा तो शंकर भगवान के गण ने अपने गणों से कहा कि अपने को तो नाचना भी नहीं आता, ये तो कितनी जोरदार नाच रही है, ऐसी ऐसी कर रही। तो इतने में गण शंकर भगवान के पास गया और शिव जी से पूछा, हमें नाचना नहीं आता, हम क्या करें। शंकर भगवान बोले, वो जैसे हाथ फेंक रही है ऐसे तुम अपने शरीर के जितने अंग सब फेंकना चालू करो, नाच हो जाएगा। बस देवता कत्थक नाच रहे थे, कोई भांगड़ा नाच रहा था, कोई गरबा कर रहा था, भूत चुड़ैल जो नाच रहे थे वो ब्रह्मा जी के भी संपट में नहीं पड़ा, उनकी भी बुद्धि में नहीं आया आखिर इस डांस का मैं नाम क्या दूं, इस डांस का मैं नाम क्या दूं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये देवता नाच रहा है, कोई कत्थक कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई कत्थक कर रहा है, ये भूत चुड़ैल जो नाच रहे हैं इनके नाचने का कोई नाम है क्या। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, जो समझ में नहीं आए उसी का नाम मैंने कलयुग में डिस्को कह दिया है। ये जितने रुद्रगण नाच रहे हैं, जितने डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल नाच रहे हैं, ये सब डिस्को कर रहे हैं। और तुम देखना आज के समय में लोग डिस्को ऐसा करते जैसे पूरा शरीर में देवी देवता आ गए हैं, पूरे शरीर। कहीं पांव हिले, कहीं आंख हिले, कहीं 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 तो लोग जमीन पे भी सो के नाचते हैं। एक गाना चलवा लेते हैं, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। तो वो जमीन पे सो सो के नाच, अब ईमानदारी से बोलो, ये जो नाचने का तरीका है डिस्को में, ऐसा लगता है जैसे लकवा लग गया, ऐसा लगता है जैसे लकवा। तो कोई ये जो डिस्को का तरीका आया तो ये किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये मेरे महादेव के गणों ने दिया कि हमें नहीं आता इसलिए हमने ये नाच दिया। शिव को पसंद आ गया ना, बस बहुत है। शंकर को प्रिय लग गया, बस बहुत। महाराज, ऐसा दुनिया में कौन है जिसको दुख नहीं है, ऐसा दुनिया में कौन है जिसको तकलीफ नहीं, सबको है। बस जो मानव का शरीर मिला है उस मानव के शरीर में प्रसन्न रहने का है। ऐसा नहीं दुख किसी को नहीं होता। घर में पत्नी इसलिए दुखी है कि गैस की टंकी नहीं है। पत्नी काय के लिए दुखी है, बोलो जम के बोलो, कि गैस की टंकी नहीं। पत्नी दुखी है कि गैस की टंकी नहीं है और पति भी दुखी है कि मेरी गैस फंस गई है। अब पत्नी दुखी है कि गैस की टंकी नहीं है और पति कह रहा है गैस बहुत बन रही है। अब दुख दोनों को है, एक को गैस की टंकी चाहिए और एक गैस गड़बड़ कर रही है, तकलीफ दोनों। कौन सुखी है, किसके जीवन में सुख है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में केवल सुखी वही है जो भगवान की शरणागति में बैठा है, जो भगवान के चरणों में जाकर बैठा है और भगवान की भक्ति में जो डूबा हुआ है वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है, वो जीवन में कभी हारता नहीं है, जीवन में कभी नहीं। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम मृदुला कुमारी, पति श्री सावन भदौरिया, पता बापू नगर बलुआही, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। बलुआही, ठीक है, बलुआही है ना, हाँ ठीक है।
मृदुला कुमारी, पति श्री सावन भदौरिया, पता बापू नगर, बलुआही, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दें, जहाँ कहीं भी बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। मेरी शादी वर्ष 2010 में हुई थी। 12 वर्ष बीत चुके थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया, 7-8 वर्ष तक लगातार केवल खगड़िया के ही डॉक्टरों को नहीं, पटना के डॉक्टरों को और बाहर भी जाकर दिखाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टरों का एक ही कहना था कि तुम्हारे संतान का सुख नहीं रहेगा। गुरुजी, मैं मानसिक रूप से डिप्रेशन में आ गई और लोगों से मिलना जुलना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जिससे मिलते थे वो एक ही कहता था, बच्चा कब होगा, संतान कब होगी, बच्चे कब होंगे, तो डिप्रेशन में चली गई थी मैं, सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। कोरोना काल के अंतर्गत 2021 में मुझे मेरे एक परिचित ने बोला कि आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, प्रदीप मिश्रा जी बाँचते हैं, आप उसको सुनते क्यों नहीं। मैंने कार्यक्रम को देखना प्रारंभ करा और बाबा के अनुसार 2021 में दिसंबर के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आपने एक उपाय बताया था कि ब्राह्मण के जोड़े को उसके बच्चे के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे बिठाकर खीर भोजन करा दो, खीर खिला दो, और उस खीर को पति पत्नी दोनों बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही उसको खा लें और दीप प्रज्वलित कर पूजन कर कर आ जाएं। बाबा, मैंने 2021 में दिसंबर के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि दिन सोमवार को मैंने ये वाला उपाय किया, और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बस उपाय करा, कुछ दिन निकले और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से 12 वर्ष के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, लिया बच्चे को लिया होगा। 12 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, ये शिव है, ओ घड़ी, ये दयालु। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्नी बाहें पसारे, अपने हृदय गिरा जा रहा हूँ। उठा शिव कृपा बनी, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 12 वर्ष के बाद बाबा ने संतान लिया। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, सब मतलब के होंगे पर मेरा महादेव मतलब का नहीं होता। मेरा महादेव ये नहीं देखता कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? मेरा महादेव नहीं देखता। आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, आप कौन हैं? मेरा महादेव नहीं देखेगा। मेरा महादेव तो इतना जानता है कि जो मेरे को दिल से भज लेता है, जो मुझे दिल से पुकार लेता है, जो मुझे दिल से अपना मान लेता है,
मेरा बाबा कहता है मैं उसको खाली नहीं छोड़ता, उसकी झोली भर कर ही छोड़ता हूँ, दिल से पुकार। लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज उपाय बताते हैं, टोटका बता देते हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जो बोलो कि सीहोर वाला महाराज टोटका बताए कि उपाय बताए, पर शिव पुराण कहती है शंकर की कथा में जो हमने पढ़ा है शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में और गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक कल्याण में, जो शंकर के बारे में जैसा जैसा अनुष्ठान हमने पढ़ा वैसा वैसा आपको इस शिव महापुराण के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया। अब करना नहीं करना आपके ऊपर है। इस बेटी ने करा, तारीख का इंतजार करा और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आपने कहा था एक ब्राह्मण परिवार को उसके बच्चे के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन कराना, खीर खिलाना, उसकी बची हुई खीर पति पत्नी दोनों बेलपत्री के पेड़ के नीचे खाकर दीप जलाकर पूजन कर वापिस सजाना बाबा दे। उसने उपाय भी लिख दिया कि मैंने कौन सा उपाय करा था। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपति व्रत करके देख लिया, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांध कर देख ली, हमने शंकर भगवान की बेलपत्र खाकर देख ली। हम कहते केवल तुमने एक बार करा और कहकर बता दिया, दो बार करा और कहकर बता दिया, तीन बार करा और कहकर बता दिया। हमसे मत कहो, उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर जरूर अपने विश्वास में थोड़ी कमी होगी। इसलिए देखो सोने के आभूषण बनते हैं ना, उसमें अगर पीतल का टांका लग जाता है, बेचने के लिए जाओगे तो सोने की कीमत कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी? बोलो बोलो जम के बोलो, कम मिलेगी ना, क्योंकि पीतल का टांका लग गया, तांबे का टांका लग गया। अगर पीतल का टांका लगा है, तांबे का टांका लगा है, पीतल से उसको झाला गया है तो सोने की कीमत घट जाती है। उसी तरह हमारे विश्वास में किंतु परंतु और कुछ ना कुछ हमारे भीतर संशय उत्पन्न हो जाता है तो परमात्मा भी फल पूरा नहीं दे पाता है, परमात्मा भी थोड़ा दूर हट जाता है, पहले वो परीक्षा लेता है। सबसे पहले वो परीक्षा लेगा आपकी। एक दो महीने तो आपके, तीन महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे परीक्षा लेते लेते। पूरे बेटे को, तुम्हारा बेटा दसवीं में है, बारहवीं में है, आठवीं में है, पांचवीं में है, चतुर्थी में है, तीसरी में है, बारहवीं का एग्जाम दे रहा है, नवीं का एग्जाम दे रहा है, दसवीं का एग्जाम दे रहा है, आठवीं का एग्जाम दे रहा है। तुम्हारा बच्चा एकदम बिना पढ़े, बिना स्कूल गए परीक्षा देगा तो क्या पास हो जाएगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं होगा। बच्चे को साल भर पढ़ना पड़ेगा, बच्चे को साल भर स्कूल जाना पड़ेगा, बच्चे को स्कूल में बैठकर अपनी हाजिरी भरवाना पड़ेगी, बच्चे को अपनी क्लास में रोज पहुंचना पड़ेगा, बच्चे को अपना स्कूल रोज अटेंड करना पड़ेगा। जो बच्चा नियम से स्कूल जाता है, जो बच्चा नियम से टीचर ने जो बताया बच्चा वैसा वैसा अगर तैयारी कर लेता है, टीचर ने जो बोला बच्चे ने वैसी पढ़ाई कर ली, टीचर ने जो बोला बच्चे ने वैसा होमवर्क कर लिया, टीचर ने जो बोला बच्चे ने अगर वैसा वैसा काम कर लिया तो उस बच्चे को जिंदगी में कोई फेल नहीं कर सकता, वो बच्चा पास होकर ही मानता है। साल भर पढ़ना पड़ता है तब एग्जाम दी जाती है, तब रिजल्ट आता है। उसी तरह हमें भी शंकर के मंदिर में
साल भर जाना पड़ता है, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ता है। उनके टीचर ने जो बताया वैसा उस बच्चे ने करा तो पास हो जाता है, और इस टीचर ने तुमको जो बताया उसके नियम से करने होगे तो पास हो जाओगे, ये निश्चितता है। ये पढ़ाई पर आपकी बुद्धि पर यह भाव आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आप कैसा आनंद लेना चाहते हो, आप कैसा भजन करना चाहते हो, आप कितना कीर्तन करना चाहते हो, आप ये ऊपर है। ये आपके ऊपर, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा। तेरे दरवाजे पर मैं आती रहूं, तेरा भजन मैं गाती रहूं, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं है। बहुत विडंबनाओं में संसार चल रहा है, बहुत विडंबनाओं में संसार चल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत लोगों को बुरा लग सकता है हमारी वाणी से, पर हम बिहार की इस पावन धरा से कहना चाहेंगे कि अपनी बुद्धि अपने चित्त को संवारने का प्रयास करें। तन को उघाड़ कर विश्व को दिखाने से कोई विश्व सुंदरी नहीं बन जाता है, ध्यान रखना। तन को उघाड़ कर विश्व को दिखाने से कोई विश्व सुंदरी नहीं बन जाता है। विश्व सुंदरी का खिताब तो उसको दिया जाता है जो वस्त्र भी पूरे पहने और अपने सुंदरता को और अपने कुल को बचाने के लिए स्वयं अग्नि में भी कूद जाए, जैसे रानी पद्मावती थी, कूद गई अपने कुल को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। विश्व सुंदरी का खिताब दुनिया को कम कपड़े पहनकर दिखाने से प्राप्त नहीं होता। विश्व सुंदरी का खिताब तन पर पूरा वस्त्र हो, तन ढका हो, और अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने पति की, अपने परिवार की इज्जत बनाकर जो चले वो विश्व सुंदरी कहलाती है। तन दिखाने से विश्व सुंदरी का खिताब नहीं होता। अपने शरीर को जो ढक कर चले, अपने शरीर को जो साध कर चले, आज कहां ये लोग कह रहे हैं कि साहब बच्चियों के साथ ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं बेटियों के साथ ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं कि बेटियों के साथ ऐसा हो गया। हम निवेदन करना चाहेंगे बनने वाली फिल्मों पर, बनने वाले नाटकों पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए, और उन नाटक में आने वाली बेटियों को, नाटक में आने वाली बहनों को कपड़े हमारे सनातन हिंदू धर्म के व्यवहारिक पहनाए जाएं, तो आने वाली पीढ़ी भी उनके जैसे कपड़े पहनना चालू कर देगी। वस्त्र की सुंदरता से आपकी सुंदरता, आप क्या धारण कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या पहन कर निकल रहे हो, उसमें आपकी भी एक जवाबदारी बनती है, आपकी भी एक जवाबदारी बनती है। भगवान की भक्ति, उस पर किया गया भरोसा, उस पर की गई दृढ़ता हमारे जीवन में सुख का अनुभव करा देती है। कोई आपसे कह दे कि मैं आपको दुखी नहीं होने दूंगा, कोई आपसे कह दे मैं तुझे तकलीफ में नहीं आने दूंगा,
फालतू की बात है, फालतू। एक लड़का लड़की गार्डन में बैठे थे, बगीचे में, और गार्डन में बगीचे में बैठे हुए लड़की लड़के से कह रही थी, बस अपन दोनों की शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक बार मैं शादी करके तुम्हारे घर में आ जाऊं, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उसने घूम कर देखा कि कितनी विचित्र बात कह रही है कि एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी। तो उस व्यक्ति ने चिल्ला कर कहा, ये घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बनाएगी। जितने घर में रह रहे होंगे उनको स्वर्गवासी का निश्चित निश्चितता। क्या ना करा, शिव तत्व कह रहा, आपको कुछ नहीं आता, आप महादेव से कह दो मुझे नहीं आता। आपको कुछ नहीं आता, आप महादेव से कह दो हमें नहीं आता। कई लोग हमसे ही कह देते हैं, गुरुजी आप कह देते हो कि साहब हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, हम संस्कृत नहीं जाने, हम ये नहीं जाने, हम वो नहीं जाने। तो ये बात बताने की क्या, इसको छुपा के रख लिया करो। लोग पूछे कि समय तुम्हें आता है, कह दिया करो आ गया। तो कोई पूछे तुम्हें आया था, तो आ गया। क्यों झूठ बोले? सत्यम शिवम सुंदरम। अपनी जिंदगी को जितनी साफ होकर जियोगे, अपनी जिंदगी को जितनी निर्मलता के साथ जियोगे। एक लड़की अपने पति से कह दे मेरे को सब बनाना आता है, सब बनाना आता है, सब बनाना आता है, सब बनाना आता है, और मालूम पड़े बनाना आता है, बनाना आता है कह देती है, और मालूम पड़े शादी करके ससुराल में आ जाए, और इतने में सास ने कह दिया बेटा आइसक्रीम बनाना आता है? हाँ मम्मी आता, बना दे जरा आइसक्रीम। और वो आइसक्रीम बनाने बैठी और अपने अटैची में से पुस्तक निकाल के लाई और पुस्तक में लिखा था 2 किलो दूध को धीमी आंच में गैस पे रख कर हिलाओ। उसने धीमी आंच में गैस पे रख कर हिलाया, फिर इसमें शक्कर डालकर हिलाओ। उसने शक्कर डालकर हिलाया, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालकर हिलाओ। उसने बेकिंग पाउडर डालकर हिलाया, फिर इसमें इलायची पाउडर डालकर हिलाओ। इसने इलायची पाउडर डालकर हिलाया, फिर उसमें लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बस उसने वही की वही करा, पूरा वैसा के वैसा ही करा। 1 घंटा फ्रिज में रखो। 1 घंटे के बाद सास फ्रिज खोलने गई। जो फ्रिज खोला तो बहू को आवाज लगाया, बेटा इधर आ। हाँ माँ, सिर्फ पल्लू रख के बहू आ गई। हाँ मम्मी, क्या हो गया? बेटा ये मंदिर के घंटे को फ्रिज के अंदर किसने रखा? मंदिर के घंटे को फ्रिज में किसने रखा? बहू कहती है, मम्मी मैंने रखा। तुमने क्यों रखा? क्योंकि किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, किताब में लिखा। रखना क्या था फ्रिज के अंदर? अरे बोलो जम के, वो जो घोल बनाया था आइसक्रीम का, उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, पर बहू ने मंदिर का घंटा खोल के फ्रिज में रख दिया। 1 घंटा फ्रिज। इससे तो मुंह से कह देती, मम्मी मेरे को बनाना नहीं आता। सत्य बोलो, दुनिया बोलेगी मरने के बाद राम नाम। अच्छे से तो बोलो, राम नाम सत्य है, बोल लेना चाहिए। मालूम अपने मरने के बाद दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? इसलिए बोलते चलो, राम का नाम तो लेते चलो, स्मरण कर। शिव नाम लेते हुए भगवत नाम लेते हुए चलते मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो, मस्त रहूं तेरी अब दया करो है भोलेनाथ।
मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो ए अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो Thank you.
सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोले ना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोले ना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मैं मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मैं मस्त रहूं तेरी मस्ती में। आर आर अपने स्थान पर बैठकर भाव से आनंद के साथ भगवान शिव से भाव से प्रार्थना करिए। आज कथा का विराम दिवस है, बाबा से दिल से प्रार्थना करना। विराम दिवस की कथा है, बाबा से जितना कह कर जाओगे ना, बाबा आपको देगा जरूर। और यह हमारा भरोसा कहता है, विश्वास कहता है,
बाबा के चरणों का विश्वास करता है कि यहाँ से कोई शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनते हैं, आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, जो दिल से एक भाव के साथ कथा का स्मरण करते हैं, वो खाली नहीं जाते, उनकी झोली भर कर ही जाती है। तो जहाँ जगह मिले बैठकर बोलने का इसलिए कहते हैं क्योंकि कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जहाँ शिव पुराण हो रही हो, कंकर शंकर का भाव स्मरण करते हुए आप दिल से बाबा से प्रार्थना करें, साथ में मूल मंत्र का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हो, भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो माँ, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कराए, नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी भगवान शंकर का प्रिय बन। एक दिन स्वयं नंदी ने, स्वयं नंदी एक दिन भगवान शिव जी से कहता, बाबा मेरे मन की एक बात स्वीकार करेंगे क्या? नंदी स्वयं भगवान शिव जी से कह रहा है कि आप मेरी एक मन की बात स्वीकार करेंगे क्या? भगवान ने पूछा, ऐसा कौन सी बात है जो नंदी आज मेरे सामने लेकर आया? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो नंदी के हृदय में है और वो मुझे बोलना चाहता है, मुझे कहना चाहता है? क्या बात है नंदी, क्या कहना चाहते हो तुम? नंदी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। शिलाद मुनि का जो पुत्र था वो इतना सुंदर, क्योंकि मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान इतने सुंदर हैं कि दुनिया के लोग हर जितनी भी आरती होती है, जितनी भी स्तुति होती है, आरती के बाद चाहे तुम राम जी की आरती गाओ, चाहे कृष्ण जी की आरती गाओ, देवी जी की आरती गाओ, चाहे देवता की आरती गाओ, चाहे किसी की भी आरती गाओ, आखिरी में आरती में शंकर भगवान का नाम तो तुमको लेना ही पड़ता है। कर्पूर गोरम कर्णाव
तारम, ये बोलना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिव सर्वाधिक सुंदर हैं, शंकर भगवान अति सुंदर हैं, इसलिए उनके नाम क्या गया था, सत्यम शिवम सुंदर। बहुत सुंदर है मेरे महादेव, मेरे शंकर भगवान बहुत सुंदर। अब जब मेरे ओगड़दानी मेरे भोलेनाथ जी इतने सुंदर हैं, तो उनका ही एक प्रतिबिंब नंदी के रूप में है, तो नंदी सुंदर नहीं होगा क्या? नंदी भी सुंदर था, पर नंदी ने भगवान से कहा, नंदी ने भगवान से, प्रभु मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए, बहुत अच्छे से सुनना कथा, फिर निवेदन करेंगे। आज विराम का दिवस है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, पैसा खर्च कर कर आए हो, खाली मत जाने देना, समय की कीमत को समझना और अपने भीतर इस कथा को उतार लो। और यहाँ से जब जाओ तो बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मेरी झोली खुशियों से भरना, मैं भी किसी पंडाल में फिर बैठकर कथा सुनूं, ऐसी कृपा करना। ये कथा तो यहाँ पर आज विराम हो जाएगी, 5 तारीख से पुष्कर जी में, पुष्कर मेला ग्राउंड में 1 बजे से 4 बजे चालू हो जाएगी राजस्थान में। सावन के पहले हफ्ते की कथा रहेगी, अब की बार सावन 2 हैं क्योंकि अधिक मास आया है। किस्मत वाले हैं आप और हम सभी जो पूरे अधिक मास में और पूरे श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, पूरे सावन और पूरे अधिक मास, पूरा सावन पूरा अधिक मास। और एक भाव मन में आया है, आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो मन की कामना बाबा पूरी करेगा। एक मन में भाव आया है कि पूरा सावन और पूरा अधिक मास पुष्कर जी में कथा है, कहीं अलवर में कथा है, कहीं मैनपुरी में कथा है, कहीं छत्तीसगढ़ में 2 कथा है, तो ऐसा मन में भाव आया है कि सावन का महीना और अधिक मास में पहली कथा से लेकर अधिक मास के विराम तक जितनी भी कथा 6-7 जितनी कथा सावन और अधिक मास में है, सारी कथाओं में ऐसा मन में भाव है कि जहाँ भी शिव पुराण की कथा हो वहाँ विठले सेवा समिति का, कुबेरेश्वर धाम का एक काउंटर बने, जिस काउंटर से सुबह से लेकर शाम तक प्रसाद वितरण अर्थात साबूदाने की खिचड़ी या चावल खिचड़ी या अन्य पोहा आदि वितरण होता रहे, जिससे लोगों का उदर पूर्ति होता रहे, क्योंकि अन्न दान से बड़ा दुनिया का कोई दान नहीं है। और मेरा विश्वास कहता है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबका सहयोग उसमें मिलेगा और आप लोगों की तरफ से भी लोग उसमें लगातार अन्न भाग ग्रहण करेंगे, ये शिव तत्व की प्राप्ति है। उसका कारण होता है, समितियां कार्यक्रम कराती हैं, कई बार व्यवस्थाएं उनका भोजन का समय होता है या उनकी भोजन की व्यवस्था होती है आगे पीछे हो जाती है, कोई भूखा है उसको ना मिल पाए, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए पूरे सावन और पूरा अधिक मास बाबा ने बनाया तो पूड़ी सब्जी, बाबा ने बनाई तो खिचड़ी, बाबा ने बनाया तो साबूदाने की खिचड़ी, बाबा ने जैसा बना दिया पोहा आदि पूरे हर जगह जहाँ कथा होगी सावन में और अधिक मास में, और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बाबा ये भंडारा कथाओं में चलाता रहे। शिव तत्व ओघड़ी है, और सीहोर के कार्यकर्ता भी उस भंडारे में पहुँचेंगे और भोजन लोगों को भंडारा प्रसाद खिलाएंगे। और विश्वास है
जिस क्षेत्र में जिस नगर में भंडारे का क्रम होगा उस क्षेत्र के लोग भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उसको चलाएंगे। शिव तत्व को जाने, अपने भीतर एक भाव प्रकट करिए शंकर भगवान को जानने का। दुनिया में शंकर भगवान से रावण ने धन मांगा, रावण ने दौलत मांगी, रावण ने सत्ता मांगी, भस्मासुर ने सत्ता वैभव कंकण मांगा, सबने सब कुछ मांगा, पर शंकर भगवान से नंदी जैसा मांगने वाला नहीं मिला। जो नंदी ने मांगा वो शिवजी से किसी ने नहीं मांगा। नंदी ने क्या मांगा भोलेनाथ जी से? नंदी बाबा भोलेनाथ जी से कहते हैं बाबा, नंदी भगवान शिव से कहते हैं भोले बाबा, आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मैं दिल से कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते, क्या मांगना चाहते, क्या चाहिए तुमको बोलो। नंदी कहते हैं बाबा इतनी कृपा कर दीजिए, आपने मुझे सुंदर बनाया है, आपने मुझे सुंदरता दी है, पर इतनी कृपा कर दो कि मेरे इस सुंदर मुख को हटाकर, मेरे इस सुंदर मुख को हटाकर इस शरीर पर आप बेल का मुख लगा दीजिए, नंदी का मुख लगा दीजिए, मेरा ये शरीर रहे मना नहीं पर मेरा मुख बेल का लग जाए, मेरा मुख एक गाय के बछड़े का लग जाए, मेरा मुख एक नंदी का लग जाए। शंकर भगवान ने पूछा, नंदी तू आखिर अपने इस मनुष्य के मुख को हटाकर तू आखिर नंदी का मुख क्यों लगाना चाहता है, तू बेल का मुख क्यों लगाना चाहता है? नंदी कहता है, बाबा अगर मैं सुंदर बना रहूंगा ना और आपके सामने बैठा रहूंगा, मुझे मेरी धर्म पत्नी देखती रहेगी और मैं उसको देखता रहूंगा, कहीं ना कहीं मेरे भीतर सुंदरता का अहंकार आ जाएगा, और सुंदरता का यदि अहंकार आ गया तो मैं आपका भजन भूल जाऊंगा, इसलिए मेरी सुंदरता हटाकर आपके चरणों का दास बनूंगा। अब शिव की कृपा देखिए, भगवान जो करता है वो साधारण नहीं करता। शंकर भगवान ने नंदी का मनुष्य का चेहरा हटाकर नंदी को बेल का मुख लगा दिया, बेल का मुख लगाकर नंदी कैलाश पर्वत पर घूम रहे थे, आज अति प्रसन्न थे, घूम रहे थे, इतनी ही देर में लंका का राजा रावण वहां से निकल कर जा रहा था। नंदी की प्रसन्नता थी और नंदी की प्रसन्नता के कारण नंदी घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और नंदी जब घूमते घूमते जा रहे थे तो लंका का राजा रावण वहां से निकल कर जा रहा था, लंका का राजा रावण निकल रहा था। अब लंका के राजा रावण ने चलते 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 जब देखा अहंकार आने में देरी नहीं लगती महाराज, अभिमान आने में देरी नहीं लगती है, अभिमान तुरंत आ जाता है, अहंकार तुरंत आ जाता है, तुरंत अहंकार आने में देरी नहीं लगती, एक मिनट में सुंदर हो अहंकार आ जाएगा, ज्यादा पढ़े लिखे हो अहंकार आ जाएगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम क्या पढ़े हो, तुम क्या जानते हो, मैं पढ़ी लिखी हूं। एक बहू कह देती है अपनी सास से, तुम्हारी मम्मी तो अनपढ़ है, तुम्हारी माँ तो अनपढ़ है, उनको क्या आता है, मैं पढ़ी लिखी हूं। एक बात का अनुभव रखना, पढ़े लिखे कितने भी हो पर पुराना, भले वो पांचवी फेल होगी तुम्हारी सास, पर उसका अनुभव तुम्हारे पढ़े लिखे के जीवन से भी ज्यादा अनुभव उसके जीवन में होता है। कभी कभी अनुभव काम आता है, कभी कभी अनुभव हमारे काम आ जाता है, कभी कभी एक आड़ा टेढ़ा पाइप, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में एक तार अंदर डालना, एक वायर अंदर डालना, और वो वायर पाइप में नहीं जा रहा, चार चार इंजीनियर
टोपी लगा कर खड़े थे, पांच पांच इंजीनियर खड़े थे, पर वो तार अंदर नहीं जा पा रहा था। तीन दिन निकल गए, एक किसान खेती करने वाला, फसल लगाने वाला किसान जा रहा था। उसने कहा, बाबूजी मैं आपको देख रहा हूँ, आप तीन दिन से परेशान हो रहे हो, ये तार नहीं जा रहा, क्या मैं इस तार को अंदर डाल दूँ? इतने में इंजीनियरों ने कहा, हम इंजीनियर हैं, पढ़ाई करी है, तुम्हारे जैसे गंवार नहीं है जो तुम तार को अंदर डाल दोगे, जब हमें तीन दिन लग गए जा नहीं रहा तो तुम कैसे डाल दोगे? बाबूजी मैं डाल सकता हूँ। इतने में एक इंजीनियर का डाल के बता, ले डाल। इतने में किसान गया और किसान जाकर एक चूहे को पकड़ कर लाया, चूहे को पकड़ कर लाकर उसने पूंछ से तार को बांध दिया, पाइप के अंदर छोड़ दिया, चूहा बाहर, तार निकल कर बाहर हो गया, तार बाहर। कभी कभी पढ़ाई के साथ अनुभव भी हमारा काम कर जाता है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी सास पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारी सास विद्वान नहीं है, तुम्हारी सास ने MBA BA नहीं करा, MTech नहीं करा, CA नहीं करा, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारी सास ने हो सकता है कॉलेज की पढ़ाई नहीं करी, पर सास भले पढ़ी लिखी ना हो पर उसका अनुभव बहुत पुराना होता है, दुनिया के धक्के खाकर वो आगे बढ़ी होती है, तो तुम्हारे लिए ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त कर दे। उसको समझो। अहंकार कभी भी आ सकता है, उस अहम को हमें दबाना है, उस अहंकार को प्रकट मत होने दो। आप सुंदर हो, अहंकार आ सकता है, आप विद्वान हो, अहंकार आ सकता है, आप ज्ञानवान हो, अहंकार आ सकता है, आपने सारे वेद सारे पुराण सारे शास्त्र सब पढ़ रखे हैं, आप में विद्वत्ता का अहंकार आ सकता है कि मैंने जो पढ़ रखा है क्या जानता है कोई, मैंने पढ़ रखा है, एक एक श्लोक याद है, एक एक अक्षर याद है, एक एक शब्द याद है, पूरा रटा रटाया है मेरे को, ये तुम्हें अहंकार आ सकता है। तुम्हारे पास में वैभव है, दौलत है, गाड़ी है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, कुटुंब है, अहंकार आ सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण के पास में सारा वैभव था, सारी सत्ता थी, नवग्रह बंदी बने हुए थे, सब कुछ रावण के पास में था, पर रावण अपनी जिभ्या पर और अपने अहंकार पर कंट्रोल नहीं कर पाया और रावण का अहंकार प्रकट हो गया। कैलाश पर घूमते घूमते रावण ने नंदी को देखा और नंदी को देखकर रावण हंसकर कह दिया, बताओ मनुष्य का शरीर है और बैल का मुंह लगा है, नंदी का मुंह लगा है। रावण 10 मुख से हंसना प्रारंभ कर दिया। रावण जब 10 मुख से हंसना प्रारंभ करा, रावण ने जब हंसना चालू करा, नंदी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि नंदी ने भगवान से खुद मांगा था कि मेरा चेहरा बदल दो, खुद मांगा। आप भगवान से मांगो परंतु सोच समझ के मांगो। एक व्यक्ति भगवान से हमेशा कहता था, भगवान मुझे ऐसा बना दो, लोग मुझे पैसा दे ही दें, दे ही दें, दे ही दें, और मैं किसी को नहीं दूं। भगवान ने उसको भिखारी बना दिया, लोग उसको पैसा देते ही देते और भिखारी किसी को नहीं देता। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान मुझे ऐसी कृपा कर दो, मेरे आगे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां दौड़े, खूब गाड़ियां मेरे आगे पीछे हो। भगवान ने उसको ट्रैफिक सिग्नल पर बना दिया, दौड़ाते रहो, सीटी बजा कर इधर इधर इधर। ये भगवान से मांगने की चीजें नहीं है कि साहब गाड़ी दे देना, साहब मुझे लोग दें, ये दे देना। भगवान से अगर मांगना है तो भगवान से प्रार्थना करना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों, और देना हो तो दी
जन्म बस अगर उसका साथ मिल गया वो आपके साथ में हो गए, उनका यदि साथ मिल गया वो आपके हो गए, आप उनके हो गए, फिर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना गाड़ी मांगना पड़ेगी, ना धन मांगना पड़ेगा, वो आपके साथ है, फिर कुछ नहीं चाहिए। आपका पति आपके साथ बाजार जा रहा है तो आप में से कितनी माताएं, अगर पति बाजार जा रहा है तुम्हारे साथ में तो आप में से कितनी माताएं जो अपने पर्स में 10-20 हजार रुपए लेके जाती है? कोई नहीं जाएगी, सबको मालूम है ये जा रहे हैं। जब ये जा रहे हैं, अब आपने तो कह दिया कि मुझे खगड़िया ले चलो, कथा सुनना है, अब आपको मालूम है ये लेकर जा रहे हैं तो मुझे आगे बिठाएंगे भी और पूरे रास्ते में कुरकुरा और चाय खिलाते पिलाते फिर लेकर जाए, ऐसे ले जाए। अब तुम्हें प्यास लगी गाड़ी के अंदर, तुम ड्राइवर से कहोगी क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, किससे कहोगी? तुरंत सिर पर पल्ले। पति ने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ऐ गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, रोड़े गाड़ी रोको, सामने देखो दुकान है क्या, जा। पति ने 500 का नोट निकाला, ले पानी की बोतल ले किया। आज तो ड्राइवर भी सोच रहा है सेठ जी की क्या हो गया है, आज ड्राइवर भी, सेठ जी तो घर से पानी लेकर चलते थे और बाजार का पीते नहीं थे, पर पति को मालूम है ये, पति को मालूम है ये कभी कभी मेरे साथ चलती है, अगर आज खर्चा नहीं करूँगा तो ये घर जाके मुझे खर्च कर देगी, इसलिए पति साथ चल रहा है, पत्नी को पर्स में पैसा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरा महादेव साथ चल रहा है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बिठाएगा भी वो और खिलाएगा भी वो। सब हम तो बाबा के भरोसे, सातवें दिन के पहले दिन ये भजन लिया था है ना, और आज फिर सातवें दिन भी एक बार, दुनिया वाले अरे दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते 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 हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं।
बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, भक्तों से हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा।